जय हिंद दोस्तों। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी की सुनवाई खत्म हुई है। बता दें, इक्वल एमएसपी की जो सुनवाई हो रही थी वो अभी 3:30 बजे खत्म हुई है। और बता दें इस पर क्या आया है, इस पर बात करेंगे। बता दें, एक एमएसपी की सुनवाई हुई है, एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। दोनों केस के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं बात कर लेता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बारे में, और दूसरा फिर इक्वल एमएसपी के बारे में क्या सुनवाई में क्या कहा गया। पहले तो मैं बता दूं, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, जो जस्टिस डीसी चौधरी थे एएफटी के जज, उनका ट्रांसफर कलकत्ता में कर दिया गया था। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस, जो जस्टिस डीसी चौधरी थे, उनका ट्रांसफर कलकत्ता में रोक दिया गया है। अब उनका ट्रांसफर रोक दिया गया है और एएफटी चेयरपर्सन को इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, उनका ट्रांसफर क्यों किया जा रहा था। तो बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। सरकार और रक्षा मंत्रालय के लिए जोरदार तमाचा है, जो कि जस्टिस डीसी चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया था। ये केस सुन रहे थे एमएसपी पर, एक्स ग्रुप की पेंशन पर, और बता दें बाकी सभी केस सुन रहे थे। और उसके बाद इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन, जैसे ही मामला हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने वाला था, जो पीसीडीए के अधिकारी थे उनके ऊपर। उसके बाद सरकार ने इनका ट्रांसफर कर दिया, करने के लिए लेटर जारी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रांसफर रोक दिया है। तो पहली खबर अच्छी ये खबर है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर से। इक्वल एमएसपी पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने अभी लेटेस्ट जानकारी दी है। बता दें, अभी मैंने फोन पर बात की थी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब हैं, उनसे। उन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी है कि इक्वल एमएसपी पर ताजा अपडेट। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी, इक्वल एमएसपी पर सुनवाई खत्म हुई है। बता दें कि अभी अभी वीर बहादुर जी ने जो बताया है कि आज एमएसपी की सुनवाई 15:30 पर होनी थी, जिसमें सुनवाई के लिए बेंच नहीं बैठी और कोर्ट से एक और तारीख दे दी गई। अब सुनवाई दूसरी, जो सुनवाई की अगली तारीख दी गई है वो 9 नवंबर 2023 को दिया गया है। यानी कि वो भी 9 नवंबर 2023, 1 महीने बाद की तारीख दे दी गई है। 15 बज के, यानी कि 3 बजे सुनवाई होगी 9 नवंबर को। यानी कि फिर एक तारीख मिल गई है और आज सुनवाई नहीं हो पाई है। ये थी लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। जय हिंद।